जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री राधा माधव चिंतन पुस्तक में श्री भाई जी कहते हैं, श्री राधा माधव महिमा। जीव मात्र आनंद की इच्छा करते हैं, पूर्ण नित्य और अखंड आनंद चाहते हैं और अनवरत आनंद के ही अनुसंधान में लगे हैं। वे आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते, क्योंकि सब आनंद से ही निकले हैं, आनंद में ही निवास कर रहे हैं और आनंद में ही उन्हें लौट जाना है। परंतु आनंद है क्या वस्तु और वह कहाँ से तथा कैसे प्राप्त हो सकता है, इस बात को जीव भूल गया है। और इसी से वह स्त्री, स्वामी, पिता, पुत्र, धन, सम्मान, पद, अधिकार आदि विनाशी प्राणी पदार्थों में आनंद की खोज करता है। वस्तुतः आनंद घन तो हैं भगवान श्री कृष्ण ही। अतएव नित्य पूर्ण अखंड आनंद की खोज करता हुआ वह प्रकारांतर से प्रतिक्षण श्री कृष्ण अनुसंधान में ही लगा है, पर वह भूल रहा है। इसी भूल को मिटाकर उसे सच्चे आनंद के दर्शन कराने के लिए पूर्ण आनंद में भगवान श्री कृष्ण की आराधना संतों ने बताई है। शांत दास से सख्य वात्सल्य, माधुर्य आदि जितने भी प्रकार के प्रेमों से विशुद्ध आनंद स्वरूप श्री कृष्ण का आराधन होता है, उन सबके साधन तथा स्वरूप पृथक पृथक बतलाए गए हैं। ये सारे प्रेम एक ही साथ एक ही रूप में जहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हों, ऐसा कोई मूर्तिमान उदाहरण उपस्थित करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही नित्य राधा बने हुए हैं। ये श्री राधा श्री कृष्ण की संपूर्ण आनंद शक्ति आह्लादिनी शक्ति हैं। अतएव ये ही श्री कृष्ण की आत्मा और जीवन आधार हैं, नित्य नित्य चिदानंद प्रेम रस विग्रह। अखिल विश्वेश्वर श्री कृष्ण इसी से परम प्रेम स्वरूपा श्री राधा के नितांत वशीभूत और सर्वथा अनुगत हैं। जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है। प्रेम के बिना आनंद नहीं रहता, आनंद के बिना प्रेम नहीं रहता। श्री कृष्ण आनंद के घनीभूत श्री विग्रह हैं, श्री राधा प्रेम की घनीभूत मूर्ति हैं। राधा के बिना श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण के बिना राधा रह ही नहीं सकती। श्री कृष्ण ही राधा के जीवन हैं और श्री राधा ही श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा हैं। श्री कृष्ण भोक्ता हैं, श्री राधा भोग्या है। श्री कृष्ण सेव्य हैं, श्री राधा सेविका है। श्री कृष्ण आराध्य हैं, श्री राधा आराधिका है। कहीं कहीं इसके ठीक विपरीत श्री कृष्ण भोग्य हैं, सेवक हैं, आराधक हैं और श्री राधा भोक्त्री, सेव्या और आराध्या हैं। इन आह्लादिनी शक्ति श्री राधा की लाखों करोड़ों अंतरंग वृत्तियां मूर्तिमती होकर प्रतिपल श्री राधा श्री कृष्ण की सेवा तथा उनकी सुख संवर्धना में लगी रहती हैं। श्री राधा कृष्ण को प्रसन्न सुखी देखना तथा करना ही इनका एकमात्र लक्ष्य, प्रभाव या स्वरूप है। ये श्री राधा के काय व्यूह रूपा सखी सहचरियाँ सदा सर्वदा सेवा में संलग्न रहती हैं और श्री राधा कृष्ण के सुखार्थ इनके सहयोग से तथा इनके माध्यम से जो दिव्य क्रीड़ा प्रकट होती रहती है उसी का नाम रास है। यह रास नित्य चलता रहता है। श्री कृष्ण सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वयं भगवान हैं, वे ही अखिल रस सुधा विग्रह हैं। इन रसराज रसरूप रसिक शेखर के रसास्वादन के लिए होने वाली चिदानंद रसमयी क्रीड़ा का नाम ही रास है। इसी से स्वयं नारायण के नाभि कमल से प्रादुर्भूत श्री ब्रह्मा जी तथा रसिकेंद्र शेखर के हृदय पर नित्य विहार करने वाली साक्षात लक्ष्मी जी को भी प्रेमी भक्तगण इस रास का अधिकारी नहीं मानते। दिव्य प्रेम स्वरूपा गोपीजन और दिव्य आनंद स्वरूप श्री कृष्ण की यह रासलीला काम गंध लेश शून्य है। गोपियों का यह प्रेम उद्दीप्त दिव्य सात्विक भाव है। इसी को वैष्णव संत रूढ़ महाभाव कहते हैं। श्री राधा और श्री गोपांगनाओं की सेवा से भगवान श्री कृष्ण को जितनी प्रसन्नता होती है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा से उनको उससे कहीं अधिक आनंद प्राप्त होता है। यों परस्पर होड़ सी लगी रहती है और निरंतर एक दूसरे के सुख का अनुसंधान बना रहता है। यह लीला वस्तुतः अपने आप में ही होती है। भगवान नित्य सत्य तथा अविच्छिन्न है। उनकी यह अविच्छिन्नता
इस लीला में भी सदा अक्षुण रहती हैं। श्री राधा श्री कृष्ण की स्वरूप भूता शक्ति हैं, इसलिए उनका नित्य ऐक्य है। श्री कृष्ण का सारा आनंद उनमें परिपूर्ण है और वे ही श्री कृष्ण को भी नित्य आनंद देने वाली हैं। आनंद चिन्मय रस रूप प्रेम का परम सार है महाभाव, और श्री राधा रानी महाभाव स्वरूपा हैं। इस महाभाव के आनंद का आस्वादन करने के लिए आनंद घन भगवान श्री कृष्ण सदा लालायित रहते हैं। इसी से पूर्ण काम में कामना तथा नित्य तृष्णाहीन में तृष्णा का उदय देखा जाता है, और वे श्री राधा श्री कृष्ण की दिव्य रसमयी लालसा कामना और तृष्णा को पूर्ण करने में ही नित्य संलग्न रहती हैं। ब्रज के श्री कृष्ण की उपासना सौंदर्य की उपासना है, इसमें रस की प्रधानता है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सौंदर्य के आधार अखिल रसामृत सिंधु हैं। उनकी आराधना के लिए आराधक को भी सुंदर बनना आवश्यक है। इस सुंदरता में केवल बाह्य सुंदरता को ही स्थान नहीं है, बाह्य सौंदर्य भी अपेक्षित है, परंतु सच्चा सौंदर्य तो हृदय का है, जिसमें अहमता कामना वासना का कलंक लेश नहीं, विषय आसक्ति की तनिक सी मलिनता की छाया नहीं, तथा स्वसुख की किंचित भी कल्पना नहीं, जो केवल प्रियतम के प्रेम रस रूप सुधा से ही नित्य परिपूर्ण है, जिसमें केवल प्रियतम श्री कृष्ण के सुख की ही चाह सहज है। ऐसे दिव्य अनंत अखंड अनन्य सौंदर्य की जीती जागती प्रतिमा है श्री राधा जी। इन्हीं श्री राधा जी के भावों को आदर्श मानकर इस पावन प्रेम पथ पर अनन्य प्रेम पिपासु विषय विरक्त त्यागी साधक अग्रसर हो सकता है। इस पथ पर चलने वालों को श्री राधा के आदर्श का ध्यान रखते हुए इनके भक्तों की पद धूलि को मस्तक पर धारण करके चलने का प्रयास करना चाहिए। अब कुछ क्षण माधव सहित श्री राधा जी की पूर्ण महिमा स्मृति में बिताइए। जय श्री राधे, आगे हम कल सुनेंगे भगवान शिव द्वारा वर्णित राधा स्वरूप की महिमा। जय श्री राधे।
तुम्हें एक नहीं कहे।